टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटन सिस्टम, जिसे आप मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? स्केलेटन सिस्टम इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जैसे कि हम किसी फोटो फ्रेम में देखिए, फोटो अंदर होती है, वह फ्रेम चारों साइड होता है, क्या फोटो को सपोर्ट करता है, वैसे ही एक तरह से फोटो हमारी क्या बॉडी है और उसके चारों तरफ जो फ्रेम है वो क्या है, स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गन्स। मीन्स हमारी जो बॉडी में टिश्यूज़ हैं, बॉडी टिश्यूज़ हैं और जो इंटरनल ऑर्गन्स है लाइक हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इन सब ऑर्गन्स को एक तरह से सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, बोन्स प्रोवाइड करती हैं और उनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। या कोई शॉक लगता है तो भी क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती हैं, हमारी जो बोन्स हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में टोटल हमारी कितनी बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं। टाइप्स ऑफ बोन्स कितनी, 4 टाइप्स की बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन होती हैं, शॉर्ट इरेगुलर फ्लैट होती हैं, फ्लैट बोन होती हैं एंड सिस्टमाइड बोन होती हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन्स में फीमर, टेबिया, फिबुला आता है, शॉर्ट इरेगुलर में कार्पल, मेटाकार्पस, वर्टिब्री एंड फ्लैट बोन्स में स्टर्नम, रेब, सिस्टमाइड बोन्स में पटेला, नी कैप। अब यहाँ पे हम वो एक ओवर व्यू देते हैं आपका स्केलेटन सिस्टम का, क्या होता है। सबसे ऊपर जो पार्ट है क्रैनियम एंड फर्स्ट, ये जो फ्रंट का पार्ट है फेस, तो हमारे टोटली क्रैनियम और फेस को मिला के हम बोलते हैं स्कल बोन। ठीक है, तो ये जो ऊपर का पार्ट उसको बोलते हैं क्रैनियम बोन्स और ये जो फेस फ्रंट की बोन्स हैं उनको बोलते हैं फेस की बोन्स। ठीक है, तो ये मिला के क्या बनता है, स्कल। उसके बाद हम नीचे की तरफ अगर बढ़े तो हमारी जो ये सोल्जर्स के पास आते हैं ना, एक क्लाविकल बोन होती है जिन्हें हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, 2 क्लाविकल बोन्स होती हैं। देन क्लाविकल के जस्ट पीछे क्या होता है, स्कैपुला होता है। स्कैपुला के बाद हमारे ये जो सेंटर में आती हैं कॉलर बोन्स के साइड में, ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा, ये क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम क्या पूरी क्या है, रिब्स है हमारी। रिब्स के बाद अगर हम और नीचे की तरफ अगर आगे बढ़े तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम आ रही है ऊपर से, एंड वर्टिब्रल कॉलम के बाद ये हमारी क्या आती है, पेल्विक गर्डल के पास ये हिप बोन्स होती हैं। हिप बोन्स की बनी होती है हमारी पेल्विक गर्डल। उसके बाद हम अगर नीचे की तरफ बढ़े तो हमारी जो लेग में थाइस के पास फीमर आता है, फीमर के बाद ये नीज पे पैटेला बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं। उसके नीचे हमारा टीबिया फिबुला 2 बोन्स होती हैं, और जस्ट उसके नीचे जो हमारा एंकल होता है उसको हम बोलते हैं टार्सल बोन या एंकल के पास जो बोन है। उसके बाद जो हमारी फिंगर से पहले और एंकल के बाद की जो बोन्स हैं उनको बोलते हैं मेटाटार्सल बोन, एंड जो हमारी फिंगर्स हैं टोज में उनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। इसी तरह अगर हम हैंड पे आ जाएं तो हैंड में जो हमारा ऊपर की साइड क्या है उसको बोलते हैं हम ह्यूमरस, जिसको हम फनी बोन के नाम से भी जानते हैं। एंड जो उसके नीचे की जो हमारी रिस्ट के पहले की जो हैं वो 2 बोन्स होती हैं, कौन क्या नाम उनका होता है, अल्ना एंड रेडिया या रेडियस। उसके बाद अगर रिस्ट की बोन्स को हम बोलते हैं कार्पल बोन या रिस्ट बोन, और उसके बाद फिंगर्स वाली के पहले और रिस्ट के बाद की बोन को बोलते हैं मेटाकार्पल, एंड जो फिंगर्स हमारे पार्ट्स में डिवाइड है वो बोन्स पर कहलाती हैं फैलेंजेस या फिंगर्स बोल सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ बोन्स क्या है, बोन्स की क्या क्या फंक्शंस है। अब बोन्स का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द बॉडी फ्रेमवर्क, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया, गिविंग अटैचमेंट टू मसल एंड टेंडन्स। मसल और टेंडन्स को क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, अलाउिंग मूविंग ऑफ होल बॉडी पार्ट। हमारी जो होल बॉडी बॉडी है जो मूव करती है वो बोन्स की वजह से ही मूव करती है। फॉर्मिंग द बाउंड्रीज ऑफ क्रैनियम, थोरेक्स, पेल्विक एंड प्रोटेक्टिंग द ऑर्गन्स। जो हमारी ऑर्गन्स को, जैसा कि हमने बताया, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, क्रैनियम एक तरह से बाउंड्री का काम करता है, थोरेक्स एंड पेल्विक। हीमोपोएसिस मीन्स जो हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं उनके बनने में हेल्प करता है। कहाँ बनती है हमारी जो ब्लड सेल्स है, वो बनती हैं WBC RBC रेड बोन मैरो में, तो हीमोपोएसिस में हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक और भी देख लेते हैं, हमारे स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स है कहाँ कहाँ कैसे कितने नंबर्स के डिवाइड है। सोल्जर गर्डल और अपर लिम में टोटल 64 बोन्स आती हैं, स्कल में 22 बोन्स होती हैं, वैसे वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 बोन्स आती हैं, थोरेसिस केज में 25 बोन्स, पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स में 62 बोन्स होती हैं। टोटल हमारी बोन्स होती हैं 200। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग बोन्स के, हम एक शॉर्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं लॉन्ग बोन्स का। तो लॉन्ग बोन्स में जो हमारे ये हैं
स्पॉन्जी बोन, देन कॉम्पैक्ट बोन, एंड उसके बाद जो पार्ट आता है मेडुलरी रेस, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एपिफिसिस, मेटाफिसिस एंड डायाफिसिस। तो एपिफिसिस ऊपर के जो लोब्स हैं वो एपिफिसिस पार्ट होता है, उसके बाद मेटाफिसिस पार्ट होता है, उसके बाद फिर से डायाफिसिस पार्ट आता है, फिर अगेन मेटाफिसिस एंड एपिफिसिस पार्ट होता है। तो जो हमने आपको दिखाया है ये जो जो पार्ट उसके सामने फ्रंट में आ रहा है उसका पार्ट कहलाता है एपिफिसिस, मेटाफिसिस एंड डायाफिसिस। तो लॉन्ग बोन्स क्या है, कंप्लीटली कवर्ड बाई अ वैस्कुलर मेम्ब्रेन द पेरिस्टोनियम विच हैज़ टू लेयर्स, द आउटर लेयर इज टफ एंड फाइब्रस एंड प्रोटेक्ट्स दी बोन, द पेरिस्टोनियम कवरिंग दी होल बोन एक्सेप्ट विद इन ज्वाइंट कैविटीज अलाउड अटैचमेंट ऑफ टेंडन्स एंड इज कंटिन्यूअस विद इन दी ज्वाइंट। नेक्स्ट बोन है हमारी शॉर्ट इलोगुलर फ्लैट एंड सिस्मॉइड बोन, दीज हैव अ रिलेटिवली थिन आउटर लेयर ऑफ कम्पैक्ट बोन विद स्पॉन्जी बोन इन साइड कंटेनिंग रेड बोन मैरो, दे आर इंक्लोज बाई पेरिस्टियम एक्सेप्ट फॉर द इनर लेयर ऑफ क्रैनियल बोन्स अवेयर इट इज रिलेटेड टू द ड्यूरा मैटर। आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं जो देखिए वर्टिब्रल कॉलम के बीच में यहाँ पे हायोइड बोन भी है, बट उसके ठीक ऊपर पूरा पार्ट क्या कहलाता है, स्कल बोन्स। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका क्रैनियम पार्ट है और ऊपर के फ्रंट की जो बोन्स हैं वो उनको बोलते हैं फेस। तो स्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रैनियम एंड फेस। हमें आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना कि क्रैनियम की कौन कौन सी बोन है, क्या नाम है और कितनी बोन्स हैं, इसी तरीके से फेस में। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड आपके कॉम्पिटिशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म बाई नंबर ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स एंड दैट प्रोटेक्ट दी ब्रेन। क्या करती है क्रैनियम, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, और जिसकी बोन्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं और उनका कोई साइज एंड शेप नहीं होता है, इरेगुलर बोन्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पे सिक्स बोन्स होती हैं टोटल क्रैनियम में, फ्रंटल बोन होती है वन, फ्रंटल पेराइटल टू, टेम्पोरल बोन टू, ऑसिपिटल टू, सेफनॉइड बोन वन, सॉरी ऑसिपिटल बोन वन, सेफनॉइड बोन वन एंड एथमॉइड बोन वन। तो टोटल आपकी कितनी बोन होगी, फोर प्लस फोर, एट बोन। ठीक है, टोटल क्रैनियम में कितनी बोन होगी, एट बोन, फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल सिफोनॉइड एथमॉइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस की, टोटल फेस में बोन्स होती हमारी 14 बोन्स होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, जाइगोमेटिक बोन जिनको चीक बोन्स भी बोलते हैं, मैक्सिला टू होती हैं, नेजल बोन्स भी टू होती हैं, लैक्राइमल बोन्स भी टू होती हैं, वॉमर वन होता है, पैलेटाइन बोन वन टू होती हैं, इन्फीरियर कॉनकाई टू होते हैं, मैंडिबल या लोअर जॉ बोन वन होती है। ठीक है, अब स्कल का काम क्या है, स्कल में जो दो पार्ट में होते हैं क्रैनियम एंड फेस। तो क्रैनियम क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बोनी आई सॉकेट जो फेस में जो आगे साइड जो आई सॉकेट होती हैं बोनी जो बोन की बनी हुई है वो क्या करती है, अंदर हमारी आईज को प्रोटेक्ट करी है। टेम्पोरल बोन क्या करता है, हमारा जो हमारा ईयर के अंदर के स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है ईयर के अंदर का, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पे एक स्कल का एक और व्यू देख लेते हैं, फ्रंटल बोन है, सिफनॉइड बोन है, एथमॉइड, नेजल, लैक्राइमल, मैक्सिला, मैंडिबल, ऐसी तरह इसमें आपका पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। अब हम आगे बढ़ते हैं पैल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्प है। तो पैल्विक लोअर लिम्प फॉर्म्स अ जॉइंट विद द पैल्विक गर्डल। लोअर लिम्प किसके साथ जॉइंट फॉर्म करता है, पैल्विक गर्डल के साथ। पैल्विक गर्डल क्या होती है, पैल्विक गर्डल दो टू इनॉमिनेट बोन्स की बनी होती है जिसे हम बोलते हैं हिप बोन्स, और ये हिप बोन में कंसिस्ट होती है थ्री बोन्स की, ईलियम, स्कियम एंड प्यूबिस। ईलियम, स्कियम एंड प्यूबिस, और अगला पार्ट है पैल्विस। पैल्विक गर्डल एंड पैल्विस अलग है, जो पैल्विस पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो सबसे नीचे की जो पार्ट है सैक्रम एंड कॉर्किक्स, उसको बोलते हैं हम पैल्विस। यहाँ पे हमने वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। तो स्टार्टिंग में जो है आपका C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ये सो टोटल हमारी सर्वाइकल से 7 बोन्स हैं। देन हमारी TH यानी कि थोरेसिस बोन्स हमारी 12 हैं वर्टिब्रल कॉलम में। एंड ये L1, L2, L3, L4, L5 ये लंबर बोन्स, लंबर क्या है, ये हमारी टोटल 5 हैं। उसके जो का पार्ट है ये हमारा कहलाता है सैक्रम एंड कोकिक्स। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल हमारी होती है 26 बोन इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ बोन्स, द कॉलम कवर्स दी प्रोटेक्ट दी स्पाइन। ये वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, हमें किस क्या प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वर्टिब्री, मीन सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिस वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री। 24 सेपरेटेड वर्टिब्री एक्सटेंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ऑसिपिटल बोन ऑफ द स्कल, मीन जो हमारी स्कल में ऑसिपिटल बोन है वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्कल, कहाँ तक ये हमारी 24 वर्टिब्रल जो भी बोन्स है ये क्या होती है, एक्सटेंड होती हैं।
अब अभी हमने पीछे जो बताया वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री में 7 बोन्स होती हैं, C1 से लेके C7 तक, थरोसिस 12 होती हैं, T1 से T12 तक, एंड लंबर वर्टिब्री 5 होती है, L1, L2, L3, L4, L5। देन सैकम 5 फ्यूज्ड बोन होती हैं, वर्टिब्री S1 टू S5 एंड कोकिक्स। कोकिक्स हमारी 4 फ्यूज वर्टिब्री होती हैं, इसे या 3 टू 5 फ्यूज वर्टिब्री होती है जिसे टेल बोन भी कहते हैं। ये पूरा था हमारा वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स। अब हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, हमारा स्कल को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। द एक्सियल ऑफ ट्रंक फॉर्म गिविंग अटैचमेंट टू रिब्स, शोल्जर्स एंड अपर लिम्स एंड पेल्विक गर्डल। इंटरवर्टिब्रल डिस्क अलाउ मूवमेंट ऑफ फोल कॉलम। यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में यहाँ हम ये पार्ट देख रहे हैं, क्लाविकल होती है हमारी शोल्जर पे जो बोन है, उसके ठीक पीछे हमारी स्कैपुला होती है, देन ये ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस के पास 2 बोन होती हैं, रेडियस एंड अल्ना, अंदर की साइड वाली अल्ना, इधर वाली रेडियस, देन ये कार्पस बोन होती है, रिस्ट बोन, देन मेटा कार्पस एंड फैलेंजेस। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है, द अपर लिम्स फॉर्म्स अ जॉइंट विद द ट्रंक वायवा द सोल्जर गर्डल, ठीक है, या पेक्टोरल गर्डल भी इसको बोलते हैं। सोल्जर गर्डल में कौन सी बोन्स आती हैं हमारी, क्लाविकल होती है, स्कैपुला होती है, क्लाविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं, स्कैपुला को हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ब्लेड बोलते हैं। द अपर लिम्स, अपर लिम्स में क्या आता है हमारा, ह्यूमरस एंड ह्यूमरस और आर्म बोन, देन अल्ना एंड रेडियस, कार्पस एंड मेटाकार्पस एंड फैलेंजेस। तो अगर आपका अपर लिम पूछा जाता तो हमारी ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। ऐसे लोअर लिम में आपका क्या आएगा, लोअर लिम में आपका फीमर आएगा, टीबिया, फिबुला, देन टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस। जैसे यहाँ पे देखिए लोअर लिम्स दिया हुआ, लोअर लिम में आपका क्या क्या आ जाता है, फीमर, फीमर है, फिर आप ये टीबिया, फिबुला, मेन जो आपके ये हैं, ये हैं, ये है। और अगर आप इसके अलावा डिस्क्राइब करना चाहते हैं, लोअर लिम में पैटेला भी आ जाएगा। यहाँ पे आपका पेल्विक गर्डल की बोन हमने पीछे बताया आपको, 2 हिप बोन्स की बनी होती है, 2 इनॉमिनेट बोन की बनी होती है, और एक हर एक इनॉमिनेट बोन 3 बोन्स की बनी होती है, ईलियम, प्यूबिस, स्कियम। आगे बढ़ते हैं लोअर लिम में, लोअर लिम में आपका अभी हमने बताया ना, फीमर आता है, टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस। तो फीमर जो होती है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है बॉडी में, पटेला को नी कैप के नाम से भी जानते हैं, टार्सल को एंकल बोन के नाम से भी जानते हैं, फैलेंजेस टो बोन्स के नाम से भी जानी जाती है, एंड मेटाटार्सल फुट ऑफ बोन। अब हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है हमारा, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी बोन्स या स्केलेटन सिस्टम के आपके बोन्स थे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।